सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकारा शेरावाली जी दा बोल सांचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड कौशाम्बा चरिके देवी नारायणी नमस्तुते।
त्रिशूलचन्द्राहिधरमहामृजुवाहिनि माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमस्ते मयूरकुक्कटविदमारक्षीधरेणये कौमारीरूपसन्ताने नारायणी नमस्ते शङ्खचक्रगदाचारङ्गीतपरमाजुदे प्रसीदवैष्णवीरूपे नारायणी नमस्ते त्रिलोकमाचक्रदृष्टाद्युतमसुन्दरे भरारूपिणी शिवे नारायणी नमस्ते नृसिंहरूपेण अग्रेण हन्तुं दत्ताङ्कृतोद्यमे त्रैलोक्यतारसहित नारायणी नमस्ते किरीटनी महावज्रसहस्रनयनाज्वले वृत्रप्राणरेचन्द्रे नारायणी नमस्ते शिवज्योतिस्वरूपेणा महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमस्ते दर्शाकरालवदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमस्ते लक्ष्मीलज्जे महाविद्यश्रद्धे पुष्टिस्वदे ध्रुवे महारात्रि महाविद्य नारायणी नमस्ते नेरे सरस्वती वरे भूतिपाप्रवितामसि नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वे च सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिणो देवि दुर्गे देवि नमस्ते एतत्ते वरुणं स्वाम्यं लोचनत्रयभूषितं पारुणा सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमस्ते ज्वालाकरालमत्युग्रमजशासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो वीतभद्रकाली नमस्ते हिनस्ते दैत्यतेजांसि स्वयेनापूरिराय साखण्डा पातु नो देवि पापेभ्यो नासुतानिव असुरादृग्वसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नदा भयं रोगानशेषानपहंसि दुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलान् विषान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति एताकृतं जत्कलनं त्वयाद्य धर्माद्विषां देवि महासुराणां रूपैरनेकैरबहुरात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकरोति कन्या विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपे स्वातेषु वाक्येषु च का त्वदन्या मामात्वगर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयाजेतरदेव विश्वं रक्षांसि यत्रोग्रविशाश्रनाग यत्रारयोदशुबलानि यत्र दावानलोजत्र तथाभिमध्ये तत्र स्थिता त्वं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरी त्वं परिपासि विश्वं विश्वात्मिकादारयसीति विश्वं विश्वे च वन्द्या भवति भवन्ति विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालयनोरवीते नित्यं यथा सर्वदा ददुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां भ्रशमां नयाशु उत्पादपाकजनिताश्च महोपसर्गान् प्रणदानां प्रसीद त्वं देवि विश्वार्थिहारिणि
माता जी की संध्याकालीन आरती शोरशोपचार द्वारा पंचामिश से विधिवत वैदिक रीति से हो रही है। आप श्रद्धालु भक्तजन विद्वानों के मुखारविंद से श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे। विश्व के कल्याण में ही हम सभी का कल्याण भी निहित है। इस समय केवल हम भक्त ही नहीं, सभी देवता भी स्वर्ग लोक से उतरकर माता जी की इस दिव्य आरती का आनंद प्राप्त करने के लिए अपना सूक्ष्म रूप धारण करके इस पवित्र गुफा में पधारते हैं। सभी से निवेदन है कि वे श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के चरणों में ध्यान करते हुए इस दिव्य पाठ का श्रवण एवं स्वयं पाठ करें। ध्यान ॐ विद्युद्धाम समप्रभा मृगपते स्कन्दस्थिताम्बीषणाम् कन्या विकर्वालजेठ विलसत् हस्ताविरासेविताम् हस्ते चक्रगदासिकेठ विशिखाश्चापङ्गुणं दर्जने विभ्राणामनलात्मिकां चिदरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे ॐ देव्योवाच एवि सवे समां नित्यं सोचते यः समाहिता तस्याहं सकलां वादां नाशयिष्यामि संशयम्
मधु कैटवनाचंद्र महिषासुरगातन कीर्तयिष्यन्तिपदं चुम्बन चुम्बयो अष्टम्यां च चतुर्दश्यां नवम्यां च एकचेतसा शोचन्ति चैव ते भक्त्या मम माहात्म्योत्तमम् नाचेषां दुष्कृतं किञ्च दुष्कृतोऽथा न चापदा भविष्यति न दारिद्र्यं न च वेष्टविजायनम् शत्रुतो न वयं तस्या दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतो योगा कदा सम्भविष्यति तस्मान्ममेतन्माहात्म्यं पठितव्यं समाहिते श्रोतव्यं च तदा वक्त्या परं स्वस्त्यायनमित उपसर्गान् चेदान्तो महामारी समुद्भवान् तदा त्रिविदुत्पादं माहात्म्यं शमये मम यत्रेतत्पठते सम्यक् नित्यमायतने मम तदा न तद्विमोक्ष्यामि सा नित्यं तत्र मे स्थितम् बलिप्रदाने पूजायाम् अग्निकारे महोत्सवे सर्वममेतच्चरितम् उच्चारं शाव्यमेव च जानता जानता वापि बलिपूजां तथा कृताम् प्रतिष्ठाम्यहं प्रीत्या पण्योमं तथा कृतम् शरत्काले महापूजा क्रियते च वार्षिकी तस्याममेतन्माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ते समन्वितः सर्वाबाधापि निर्मुक्तो धनधान्यसुतान्वितः मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशय श्रुत्वा ममेतन्माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्वयः पुमान् रिपवः सञ्जयं जाते कल्याणं चोपपद्यते नन्दते च कुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वतां शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्नदर्शने व्यहीलासु चोग्रासु माहात्म्यं शृणुयान् मम उपसर्गाश्रमं जाते गृहपीडा च दारुणा दुःस्वप्नं च निवर्दिष्टं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां चान्धिकारकं सङ्गादभेदे जनिनां मैत्रीकरणमुत्तमं दुर्वृत्तानां जेजानां बलहानिकरं वरं रक्षोभूतविराजानां बलनादेवनाजनं सर्वं ममेतन्माहात्म्यं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पाय धूपे च गन्धदीपे सदोत्तमे विप्राणां भोजने होमे प्रोक्षमीयरहर्णिज अन्ये च विविधे भोगे प्रधानेर्वत्सरेण च प्रीतिर्मे क्रियते तास्मिन् सकृ सुचरते श्रुते क्षुरं हरति पापानि तदारोग्यं प्रयश्यति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं जन्मे दुष्टदैत्यनिर्वहणं तस्मिन् श्रुते वैरिकृतं वयं पुंसां न जायते युष्माभिस्तुतयो या च ब्रह्मेश्वरीकृता ब्राह्मणा च कृता तस्तु प्रयच्छन्ति शुभामतिम् अरण्ये प्रान्तरे वाभिधावग्नि परिवारितः दस्युभिर्वाभिधा चूने गृहीतो वापि शत्रुभिः सिंहव्याख्यानुजातो वा पणे वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन राज्ञप्तो भद्यो बन्धगतोऽपि वा आघूर्णितो वा वातेन स्थिता भूते महार्णवे परस्तु चापि शस्त्रेषु सङ्ग्रामे वृषदारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभ्यार्थितोऽपि वा शरणममेतच्चरितं नरमुच्चेत सङ्गणात् मम प्रभावा सिंहाद्या तस्य भो वैरिणस्तदा दूरादेव पलायन्ते स्वरतच्चरितं मम ऋषिर्वाच इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्र मान्तरधीयत देवानिरातङ्कः स्वाधिकाराञ्जदा पुरा यज्ञवागभुजा सर्वे चक्रुर्विनिहतारिः
ध्यात्याजतेभ्यानेतेशुंदेदेवारिपोज्यदि जगद्विद्वंसनितस्मिन्महोग्रेतुर्विक्रमे निशुंभे च महावीर्ये शेषा पातालमाजयुः एवं भगवती देवी सानिध्यापि पुनः पुनः संभूया कुरुते भूप जगतः परिपालनम् तन्मोयते विश्वं सेव विश्वं प्रसूयते साजाजिता च विज्ञानं दुष्टारित्रिं प्रयच्छति व्यापं तये सकलं ब्रह्माणं मनुजेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारी स्वरूपया सेवकाले महामारी सेवसृष्टिर्भवत्या स्थितिं करोति भूतानां सेवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मीर्वृद्धिप्रदागृहे सेवाभावे तदा लक्ष्मीर्विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपग्रन्थादिभिस्तदा ददादिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं जुवाम् अथ सिद्धकुञ्जिका स्तोत्रम् शिववाच शृणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नारिकलास्तोत्रम् कीलकं न रहस्यकम् न शोकं नापि ध्यानं च नान्यासो न च वार्जनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वशं संवरं चाटनादिकं पाठमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ॐ द्रों हों क्लीं जों सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाये विच्चे ज्वल हंसं लं शं फट् स्वाहा नमस्ते रुद्ररूपिणे नमस्ते मधुमर्दने नमः केतवहारिण्ये नमस्ते महिषार्दने नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरगातने जाग्रतं हि महादेवि जपं सिद्धिं कुरुष्व ऐङ्कारि सृष्टिरूपाय ह्रीङ्कारि प्रतिपालिका क्लीङ्कारि कामरूपिण्ये बीजरूपे नमस्तु ते चामुण्डा चण्डघाति च जेकारि वरदायिनि विच्चे चावयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणि भां दीं धूं दुर्जटे पतने भां भीं भूं वागदेश्वरि त्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शूमे शुभं कुरु हों 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 काररूपिण्ये जं 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 भनादने भ्रां भ्रीं भ्रूं गरविभद्रे भवाने ते नमो नमः अङ्गं चण्टं तं पं यं छं भीं धूं ऐं भीं हं छं दिजाग्रं दिजाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा पां भीं भूं पार्वतीपूर्णा कांखी कुंखे जरे तदा सांसी सुसप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं पन्थजाग्रतिहेतवे अवक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती जस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यदा श्रद्धालु भक्तजन अभी तक श्री वेद व्यास जी द्वारा विरचित मार्कंडेय पुराण से उद्धृत श्री दुर्गा सप्तशती जी के पौराणिक पाठ का श्रवण विश्व के कल्याण के लिए कर रहे थे।
अभी स्तोत्र पाठ होगा। स्तोत्र पाठ से भक्तों के घरों में सर्वदा रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, विशेषतया आपके रोगों, शत्रुओं, दुख एवं दारिद्र का विनाश होता है, मनोवांछित कामनाओं की पूर्ति एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री दुर्गा आप दुद्धाराष्टकम् नमस्ते शरण्य शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगद्वन्द्वपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे नमस्ते जगच्चन्द्रमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे अनारस्य दीनस्य धृजनातुरस्य वयातस्य भीतस्य बद्धस्य यन्तो त्वमेका गतिर्देवि निस्तारकर्तृ नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये जले सङ्कटे राजगे प्रभाते त्वमेका गतिर्देवि निस्तारयेतु नमस्ते जगत्तारिणीत्राय दुर्गे अपारे Yeah.
श्री सरस्वती वंदना रवि Amen.
श्रद्धालु भक्तजन तीन बार ओंकार अक्षय गणनाद करेंगे, एक साथ उच्च स्वर से लंबे स्वर से हृदय से आवाज निकालते हुए माता जी के चरणों में यह प्रार्थना करते हुए, हे माँ, इन पद्म स्तोत्रों से यदि कहीं भी कुछ भक्ति का लेश मिले उसी से प्रसन्न हो जाओ, हमारे अपराधों को क्षमा करो एवं मनोकामना को पूर्ण करो, ऐसा मन में माता जी के चरणों में भाव करते हुए आप सभी भक्तजन तीन बार एक साथ ओंकार अक्षय गणनाद कीजिएगा। ओंकारं बिन्दुं संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव श्री ओंकाराय नमो नमः। योगीजन बिंदु से संयुक्त इस ओंकार का नित्य प्रति काम एवं मोक्ष की प्राप्ति के लिए ध्यान करते हैं। हमारी सृष्टि का स्वरूप भी ओंकार स्वरूपा ही है तथा इसके आदि एवं अंत में इसी अक्षर का गुंजायमान सदैव होता रहता है। ओंकार अक्षर के जाप से उच्चारण से कई आदि व्याधियों का विनाश भी होता है। हे माँ, इस प्रणव अक्षर ओंकार में अकार ओकार और मकार के रूप में ब्रह्मा विष्णु एवं महेश के रूप में आपकी नित्य स्थिति है तथा बिंदु स्वरूपा अर्धमात्रा जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता वह भी आप ही है। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा ढोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सभी श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण तन्मयता से तल्लीन होकर श्रद्धा पूर्वक एकाग्रचित होकर माता जी के इस दिव्य पाठ का श्रवण किया। जिस श्रद्धा से आप सभी ने इस पाठ का श्रवण किया है, स्वयं पाठ किया है, उसी रूप में जगदम्बा वैष्णो माता प्रसन्न होकर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, ऐसी माता से प्रार्थना है। रोगान शेषान अपहंसी तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रिताणाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताश्रयताम प्रयान्ति। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनोवांछित सभी मनोकामनाओं का नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। विद्या सुशास्त्रे विवेक दीपे स्वाद्येश वाक्यजुका तदन्या ममत्त गर्ते महान्धकारे विभ्रमते तदतीव विश्वम।
विद्याओं में, ज्ञान को प्रकाशित करने वाले शास्त्रों में तथा आदि वाक्य वेदों में तुम्हारे सेवा और किसका वर्णन है, तथा तुमको शोर का दोषी कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी घड़े में निरंतर भटका रही हो। सचिया जोतां वाली माता तेरी सदा ही जयकारा, शेरां वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी शक्ति का पूजन होता है वही देवताओं का निवास होता है, और जहाँ ऐसा नहीं होता वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। एक बार की बात है कि हलाहल नाम वाले अनेक पराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के वरदान से तीनों लोकों को घेर लिया। उन्होंने वैकुंठ तथा कैलाश पर भी आक्रमण किया, तब स्वयं भगवान विष्णु तथा शंकर उनसे युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। 60,000 वर्ष तक युद्ध होता रहा, तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। अंत में बड़ी कठिनता से भगवान विष्णु तथा शंकर ने उन पर विजय प्राप्त की और अपने अपने लोकों में कैलाश तथा वैकुंठ में आकर के अपनी शक्तियों के समक्ष गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष अभिमान पूर्वक बातें करने लगे कि किस प्रकार उन्होंने उन महाबली दैत्यों पर विजय प्राप्त की है। इस प्रकार उनकी अभिमान पूर्वक बातों को सुनकर के लक्ष्मी तथा गौरी शर्म पूर्वक हास करने लगी, जिससे वो क्रोधित हो गए और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे, जिससे दोनों देवियां क्रोधित हो गईं और एकदम उनसे पृथक हो गईं, अलग हो गईं, जिससे दोनों विष्णु तथा शंकर विक्षिप्त शक्तिहीन निस्तेज हो गए। इस प्रकार ब्रह्मा शंकर तथा विष्णु के शक्तिहीन होने पर सृष्टि का कार्य करना असंभव हो गया, कठिन हो गया। ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि ऐसा क्या कारण है कि भगवान शंकर तथा विष्णु शक्तिहीन हो गए हैं और सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार से नहीं चल पा रहा है। जब मैं इसका कारण नहीं पता लगा रहा हूँ तो इसका प्रतिकार कैसे करूँगा। उन्होंने नेत्र बंद कर समाधि अवस्था में देखा कि ये पराशक्ति के प्रकोप के कारण ये दोनों निस्तेज हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं। तब कुछ देर तक वो अपनी शक्ति द्वारा सृष्टि का कार्य संभाले रहे, फिर उन्होंने अपने मनुता दक्ष इत्यादि जो मानस पुत्रों का आह्वान किया और सभी उनके मानस पुत्र उनके सामने खड़े हो गए। उनसे ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं सृष्टि का भार संभाले ही हूँ, इसलिए उन पराशक्ति को प्रसन्न करने के लिए, तपस्या करने के लिए असमर्थ हूँ, और आप उन शक्ति को प्रसन्न करें, आराधना करें, उनकी तपस्या करें, जिससे दोनों भगवान विष्णु तथा शंकर शक्ति संपन्न हो जाएं और वो सृष्टि का कार्य ठीक प्रकार से कर पाएं। तब सभी उनके मानस पुत्र दक्ष इत्यादि हिमालय की तलहटी में जाकर के 1,00,000 वर्ष पर्यंत तक जो देवी सूत का पाठ करते हुए समाधि अवस्था में जो दुर्गा माता की आराधना करते रहे। तब माता रानी जी शंख चक्र गदा पद्म धारण करके सिंह पर आरूढ़ होकर के उनके सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुई और कोयल के समान मधुर वाणी में कहा कि देवताओं, आपको किस प्रकार का कष्ट है? आपका दुख दूर करने के लिए मैं कल्प वृक्ष के समान हूँ। सभी देवताओं ने कहा कि महारानी, इस समय आप जानती हैं कि भगवान विष्णु तथा शंकर शक्तिहीन हो गए हैं और सृष्टि का कार्य सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा है, इसलिए हमारी ये आपसे प्रार्थना है कि आप उनको शक्ति संपन्न कर दें। और दूसरी हमारी ये प्रार्थना है, दक्ष ने कहा कि आपका जो जन्म है मेरे घर में हो। माता ने कहा, मेरी शक्तियों का अपमान करने के कारण ही उनकी ऐसी दशा हुई है, उनको भूल कर भी कभी मेरी शक्तियों का अपमान नहीं करना चाहिए। अभी मेरी लेश मात्र कृपा से वो पुनः शक्ति संपन्न हो जाएंगे और आपको मेरे इस विराट रूप का, इस माया बीज का जाप करना चाहिए, विराट स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तब एक शक्ति तेज पुंज दक्ष के घर में प्रकट हुआ, जो सती हुई वो शंकर जी को प्राप्त हुई और खीर सागर में जो समुद्र का मंथन करने पर लक्ष्मी जी प्रकट हुई वो विष्णु को प्राप्त हुई, अर्थात वो पुनः शक्ति संपन्न हो गए और अभिमान रहित भी हो गए। इसलिए हमको सदैव चाहिए कि नारी शक्ति का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नार्यास्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी शक्तियों का अपमान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। आप सभी सौभाग्यशाली एवं पुण्यकर्मी हैं जिनको आयुनि के धाम में माता महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती जी आदि काल से संपूर्ण विश्वभर में संयुक्त रूप में केवल इसी दिव्य गुफा विराजमान होती हैं, आपको शक्ति ऐश्वर्य ज्ञान के वरदान से संपन्न कर रही हैं। तीनों महाशक्ति जड़ मूल से एक हैं, ऊपरा के तीन स्वरूप और इन्हीं के चरणों से गंगा स्नान कराती परिक्रमा करती बह रही हैं, जिसमें आप स्नान करते हैं, जनावत ग्रहण करते हैं। इन्हीं के साथ बाएं हाथ पहाड़ी पर प्राकृतिक रूप से विराजमान
गणपति जी महाराज, सूरज, चंद्रमा, बटुकधा प्रहलाद जी और सातवें महाराज जी का वरद हस्त भक्तों प्रत्येक क्षण आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। सामने शंकर भगवान जी शिवलिंग रूप में विराजमान और इन्हीं तीनों महाशक्तियों का निवारण मंत्र बीज मंत्र ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे कलिकाल में भक्तों का विशेष उद्धार करने वाला है, जिसमें ऐम के चरण से आपको विद्या की प्राप्ति होती है, ह्रीम के चरण से धन ऐश्वर्य मिलता है, क्लीम के चरण से शक्ति प्राप्त होती है। चामुंडा माता जी का नाम एवं विच्चे के रूप में आप हमें अभय प्रदान करती हैं। आइए इसी निवार मंत्र का उच्चारण माधे चरण बैठे हुए हम सभी भक्ति तीन बार करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा देविच्चे। 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा ये विचे। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जीदा बोल सच्चे दरबार की जय। घर में भी नित्य प्रति स्नान उपरांत शुद्ध वस्त्र धारण करके आप इसका कम से कम एक माला जाप अवश्य करें, जिससे तीनों शक्तियां आपको स्वतः प्राप्त हों और आपकी गृहस्थी ठीक प्रकार से चले। दुर्गा वैष्णो माता आप आए हुए सभी भक्तों की मनोकामनाएं अपने मन में संजोए माता के प्रति लाए हैं सभी पूर्ण करें। माता जी का वरद हस्त सदैव आपके शीश पर रखा रहे और आप उत्तर उत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होते रहें। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा शेरा वाली जी दा बोल सच्चे दरबार की जय। अभी भजन की वेला है, सभी भक्तियां उच्च स्वर से बोलते हुए ताली बजाते हुए माता की भेंटों में योगदान देंगे। सर्वप्रथम निवेदन है श्री विजय कुमार जी से अपनी मधुर भेंट प्रस्तुत कर रहे हैं श्री विजय कुमार। जयकारा शेरा वाली दा मंदरा दा नजारा ओ मैया तेरे मंदरा दा नजारा
ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਭੈਣ ਬੱਸੀ ਗਈ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਬੱਸੀ ਗਈ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਭੈਣ ਬੱਸੀ ਗਈ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਕੰਘੜੇ ਬਜ਼ਾਰਾ ਜਵਾਲਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਉਹ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮਈਆ ਤੇਰੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।
चरनी खड़ा सवाली खाली सामा मैं लेके आया नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली नीमा मेरा अजे भी पलड़ा खाली शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली ममता दी करी च बचड़े ते छा ममता दी करी च बचड़े ते छा शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी च बचड़े ते छा ममता दी करी च बचड़े ते छा फिर दरिया माया के सिर नु झुकावा दे प्यार दाते कोई न किनारा एक तेरा ही सहारा मैनू भवला च रख सेवादार दाते भवना च रख सेवादार दाते शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुकावा दे दी प्यार दाती कोई न किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू भवना च रख सेवादार दाती नाच रख सेवादार दाती शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा दादी मैं नाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना दाती मैं नाम तेरे रंग बिच रंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना तेरे उते हाथ होवे होर नहीं ओ मंगना मैं टूट गया सारा जीवे अंबरा चो तारा ला दे पार दाती कोई ना किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू भवना च रख सेवादार दातिए सेवादार दातिए ओ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ओ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया माया के सिर नु झुकावा दे प्यार दातिए किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू भवना च रख सेवादार दातिए भवना च रख सेवादार दातिए ओ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा भवना च रख कर देवी उपकार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ भवना च रख कर देवी उपकार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ अख च न हंजू आवे ना देवी प्यार माँ चक देख लिया सारा माए देखना नजारा ले जा द्वार दासी कोई ना किनारा इक तेरा ही सहारा मैनू भवना च रख सेवादार दातिए सेवादार शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ शेरा वाली माँ मेरी जोता वाली माँ ममता दी करी इस बचड़े ते छा ममता दी करी इस बचड़े ते छा तेरे दरिया
ਅਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇਵੇ ਪਿਆਰ ਦਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾ ਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਕਰੀ ਇਸ ਬਚੜੇ ਤੇ ਛਾਂ ਹਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਸ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਪ੍ਰੀਤਾਂ ਪਈਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉੜੀ ਕਮਾਏ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਪਿਆਰ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਤੇਰਾ ਲਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰ ਦਾਤੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਭਵਨ ਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਹੋ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰੀਸ ਬਚੜੇ ਤੇ ਛਾਂ ਦੀ ਕਰੀਸ ਬਚੜੇ ਤੇ ਛਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾਤੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕਿਨਾਰਾ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭਵਨ ਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਭਵਨ ਚ ਰੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦਾਤੀਏ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭਗਤੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭਗਤੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭਗਤੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭਗਤੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਭਗਤੋ ਜੈ ਮਾਤਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਜੈ ਇੱਕ ਘੰਟ ਪਾਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੈ ਪਾਲ ਜੀ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਬੋਲ ਸੱਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੀ ਜੈ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਮੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਤਰਫ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬੇ
हम चले कर रास्ते पे हम से
सबका जीवन ही बन जाए भगवान। अपनी करुणा का जल को बहा दे, करके पावन हर एक मन का कोना। अपनी करुणा का जल को बहा दे, करके पावन हर एक मन का कोना। Lal lal chola
ਮੱਕਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਬੱਕਾ ਬੱਕਾ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਮਾਰ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਭਵਾਨੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਗੁਫਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਮਾਂ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਗੁਫਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਲੰਮੀ ਲੰਮੀ ਗੁਫਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਭਵਾਨੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਭਵਾਨੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮਾਂ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਖੁੱਲੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਭਵਾਨੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਭਵਾਨੀ ਸਿਆਣਾ ਕਰੋ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ।
अभ्यंत वस्तु करें श्री सुरेश। जय कराम शेरों वाली मैया जी का, बोल सच्चे दरबार की। मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, 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 अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो। हम तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है, ओ हमें तो बस तेरा सहारा है, हमें तो बस तेरा सहारा है, और नहीं कोई हमारा है, और नहीं कोई हमारा है, तेरा दर प्राण से प्यारा जी, तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो, तेरा यश गाया वेदों ने, तेरा यश गाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, पार नहीं पाया वेदों ने, तुम बड़ी दयालु हो, मैया जी तुम बड़ी दयालु, अम्बे माँ बड़ी दयालु हो।
ਜੈਕਾਰਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਈਆ ਜੀ ਕਾ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਸਵਰਗਾਂਗਣੇ ਵੇਨੁ ਮ੍ਰਿਦੰਗ ਸ਼ੰਖ ਤੇਰੀ ਨਿਨਾਦੇ ਰੂਪ ਗੀ ਅਮਾਨਾ ਕੋਲਾਹਲੈਰਾ ਕਲਿਤਾ ਗਵਾਸੂ ਵਿਦਿਆਧਰੀ ਨਿਤ ਕਲਾ ਸੁਖਾਇ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਆਜ ਕੀ ਪਰਮ ਪਾਵਨ ਸੰਧਿਆ ਕਾਲੀਨ ਆਰਤੀ ਵੇਲਾ ਮੈਂ ਦੁਰਗਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਅਸੀਮ ਅਨੁਕੰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਆਪ ਸਭੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਤਵੋ ਵਨ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸੌਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁਆ ਅਤਹ ਆਪ ਸਭੀ ਸੌਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਏਵਂ ਪੁਣਿਯ ਕਰਮੀ ਹੈ ਆਪ ਸਭੀ ਕਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੇ ਦਿਵਿਆਂਗਨ ਮੇਂ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਏਵਂ ਅਭਿਨੰਦਨ ਤਥਾ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਓਰ ਸੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਵਿਸ਼ਵ ਕੇ ਸਭੀ ਮਾਤ੍ਰੀ ਭਕਤੋਂ ਕੋ ਭੂਰੀ ਭੂਰੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवा समिन्दतान् पुनर्ब्रह्मानु वसुनीथ जन्ने गितेन त्वं तन्नं वर्धयत्स सत्याः सन्तु जजमानस्य कामा मन्त्रार्था सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव ಶ್ರೀವರ್ಚಸ್ ಆಯುಷ್ಯಮಾರೋಗ್ಯ ಮಾಭಿಧಾ ಶುಭಮಾನ ಮಹೀಯತೆ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಂ ಪಶುಂ ಪೌಪುತ್ರಲಾಭಂ ಛತ್ಸಂವತ್ಸರಂ ದೀರ್ಘಮಾಯು ಅಸ್ತು ದೀರ್ಘಮಾಯು ಆಪ್ಕಿ ದೀರ್ಘಾಯು ಹೋ ಆಪ್ಕ ಆರೋಗ್ಯತಾ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹೋ ಅವ ಧನ ಧನ ಸೇ ಸಂಪನ್ನ ಹೋ ಜಿನ್ ಮಂತ್ರೋ ಕಾ ಆಪ್ನೆ ಶ್ರವಣ ಕಿಯಾ ವೇ ಸಭಿ ಸಫಲ್ ಏವಂ ಸಾರ್ಥಕ ಫಲ ದೇನೆ ವಾಲೆ ಹೋ ಅವ ಸದೈವ ಧರ್ಮಾನುಕೂಲ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇ ಹುಏ ಉನ್ನತಿ ಕೇ ಮಾರ್ಗ ಪರ್ ಅಗ್ರಸರ್ ಹೋ ਸੱਚੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ ਅਭੀ ਸਭੀ ਭਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਵਰ ਚ ਬੋਲਤੇ ਹੋਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਤੇ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਦੀ ਆਰਤੀ ਬੋਲੇਗੇ ਸਭ ਨੇ ਦੀਵਾਰ ਪਰ ਆਰਤੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਕੀ ਪੁਸਤਕਾ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਿਸ਼ਠਾ ਵੀ ਆਰਤੀ ਹੈ ਸਭੀ ਬੋਲੇਗਾ ਓਮ ਜੈ ਅੰਬੇ ਗੌਰ ਮਈਆ ਜੈ ਕੁੰਡ
धर्म मार्ग
दाते सदा कुमार मुझको दाते सदा कुमार मुझको दाते मन चंचल तेरा ध्यान करता मन चंचल तेरा ध्यान करता बड़ा चपल नारायण शरण माया बड़ा चपल नारायण शरण माया हर बाहर से हूँ ठुकराया हर बाहर से हूँ ठुकराया सच्चे दरबार की जय। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज माता जी पूजा करके गुफा द्वार पर पधार चुके हैं। इस पवित्र गुफा का अखंड ज्योति का पूजन करेंगे। तत्पश्चात माता जी आरती होगी। आरती अब सभी भक्तों के बीच में आएगी। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती वंदना करना। प्रेम से बोलो जय माता जी, कल मिल बोलो जय माता जी, आवे मिला जय माता जी, संध्या मिला जय माता जी, हाथ मिला जय माता जी, हाथ लंबे जय माता जी, कष्ट मिला जय माता जी, मेरा कष्ट जय माता जी, रोगियों का जय माता जी, हरे कल्याण जय माता जी, सोलह आने जय माता जी, दावत जय माता जी, वीर जय माता जी, कार जय माता जी, पानी सुन जय माता जी, मुट्ठी बोलो जय माता जी, हाथी बोलो ताली बजा के जय माता जी, जोतां वाली जय माता जी, लाटां वाली जय माता जी, चोलियां वाली जय माता जी, दुनिया वाली जय माता जी, चोलियां वाली जय माता जी, गुफा वाली जय माता जी, हाथ वाली जय माता जी, रत कल्याणी जय माता जी, बाबा रानी जय माता जी, सिद्धि रानी जय माता जी, वैष्णो देवी जय माता जी, बच्चियां जोतां वाली माता तेरी सदा। अभी सभी भक्त दोनों हाथ जोड़ करके माता जी के चरणों में प्रार्थना करेंगे। ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम, देहि मे परमं सुखम, देहि मे परमं सुखम, रूपं देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, यशो देहि दिशो जहि, यशो देहि दिशो जहि, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः, ॐ शान्तिः। अभी परम पूजनीय श्री पुजारी महाराज आरती प्रारंभ करते हैं। सभी भक्त जहाँ बैठे बैठे शांति पूर्वक आरती अक्रम देखिएगा। जय माता।
सुनाई दे रही है आवाज सुनाई दे रही है माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरे। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे भगवान की जय।
जल्दी जल्दी हो गया पूरी गूंज के साथ ऐसे बोलो